अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास, आज हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 30 and 31 यूजेज ऑफ बेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, ये साबुन की तैयारी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी हुई और प्रैक्टिकली भी हमने इसको चेक किया हुआ है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, हीट को खारिज करता है, तब जाकर ये एक सोल्यूशन प्रिपेयर करता है जो कि अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, और उसको कंसंट्रेटेड करते जाएं तो फिर ये सोप में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH ट्वाइस, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर एंड न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन। ये हम पहले भी, ये तो हम रिवीजन लेक्चर्स डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड को न्यूट्रलाइज करने का मतलब यह है कि न्यूट्रल करना है, ना वो एसिडिक रहे और ना ही वो बेसिक रहे। तो ना एसिडिक और बेसिक रहने का मतलब यह है कि एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो एसिड के साथ बेस का होना जरूरी है, और अगर बेस को न्यूट्रलाइज करना है तो उसके साथ एसिड का होना जरूरी है, ठीक है। तो सॉफ्टनिंग ऑफ हॉट वाटर में पानी की हार्डनेस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं जो कि टेम्परेरी हार्डनेस को खत्म करता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज। अल्कलाइन वर्ड फिर मैं क्या बता रहा हूं आपको, अल्कलाइन वर्ड है किसके लिए, बेसिस के लिए, ये बेस के लिए इस्तेमाल होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम का फॉर्मूला है हाइड्रोक्साइड का MgOH2, इज यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी, ठीक है। ये जो इंसानी स्टोमक में तेजाबियत हो जाती है उसको खत्म करने के लिए, हाइपर एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेस इस्तेमाल करते हैं। हम पहले भी अभी बात की है कि एसिड को अगर न्यूट्रलाइज करना है तो हमें बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन जो स्टोमक की एसिडिटी है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। इट इज ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग्स। इसके बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला AlOH3 है, इज यूज्ड एज फॉर्मिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। इनमें आग बुझाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हैं जिनमें नाइट्रोजन का मिक्सचर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन आग के गिर्द एक गलाफ बना लेता है और आग को फैलने नहीं देता, और इस तरह से जब नाइट्रोजन के मिक्सचर से एल्युमिनियम फॉर्मिंग एजेंट के तौर पर रिएक्ट करता है तो वो आग की लिमिट को कम करते 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 आग को बुझाते हैं। इसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, इज यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथेस, ठीक है। ये कपड़ों से ग्रीस के दाग को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, चूँकि ग्रीस एक हाईली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस वजह से उसको ख़त्म करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है आपने इसके यूजेज ऑफ बेसिस जो है वो आपने इसको लर्न करना है, ये इंपॉर्टेंट भी हैं, आप इसको लर्न भी करेंगे अच्छे तरीके से। अल्लाह हाफिज़।